हेलो एवरीबॉडी, डूज एंड डोंट्स विद एन इम्प्लांट सर्जरी। अभी इम्प्लांट की जब सर्जरी होती है, हम टाके देते हैं, तो यूजुअली हम उस साइड से, जिस साइड आपका इम्प्लांट हुआ है, आपको ठंडा नरम खाने बोलते हैं, पे एंटीबायोटिक पेन किलर सब दे देते हैं। मैं नहीं बोलूंगी इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, बट यस डिस्कम्फर्ट जो है वो रहता है। एक बार आपकी जख्म भर गई, 3 महीने का टाइम हो गया, हड्डी भर गई, उसके बाद देर आर बेरली एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप पहले भी जैसे खाना खा पाते थे वैसे ही खा सकते हैं। यू कैन फॉलो अ रेगुलर डाइट एंड लाइफस्टाइल। हमारे डूज एंड डोंट्स यूजुअली स्टेज वन जो सर्जरी से ही सीमित रहती है। एक बार कैप आया, ऑब्वियसली छोटे चावल के दाने एंड समथिंग विच इज वेरी हार्ड, से इफ इट्स अ नान और रोटी और अ वेरी हार्ड ब्रेड कैन बी हैड, बट ओनली वंस यू गेट द क्राउन और द कैप। तो वही है कि दांत का जो सब्स्टिट्यूट है क्राउन या कैप, वो एक बार आ जाए तो आपको वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिल जाता है खाने का। बिफोर दैट आपको रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सर्जरी के बाद तक ही रहती है। नेक्स्ट 3 मंथ्स यू आर गुड टू गो।